जो बचे हैं संग समेट लो के सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ कहानी सुनते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ड्राइंग रूम में खड़े चारों अफराद पर मौत का सुकून छाया था। वाह लीज़ा, दाद देती हूँ तुम्हारे इंतखाब की। अपनी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करने वाले को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने चली हो। तुम्हारी जैसी बहन शायद शायद दुनिया में और कोई नहीं होगी। सैम तंजिया अंदाज में उससे मुखातिब हुई। सैम की आंखों में आंसू थे, बाकी सबको जैसे सांप सूंघा हुआ था। सैम आंखों में आंसू लिए ड्राइंग रूम से जा रही थी। वो उसे रोक नहीं सकी थी, वो अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। सैम और सिकंदर, सिकंदर और सैम, वो शौक की ऐसी कैफियत में थी कि उसे अपने एहसाब मफलूज होते लग रहे थे। सैम के ड्राइंग रूम से निकलते ही उसने देखा कि हाशिम भी एकदम ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था। फ़र्क ये था कि सैम घर के अंदर गई थी और हाशिम ड्राइंग रूम से निकल कर घर से बाहर जा रहा था। आयशा हैरत और दुख में मुब्तला खड़ी थाल में सजे फूलों, मंगनी की अंगूठी और मिठाई की टोकरियों की तरफ देख रही थी। आमना गाड़ी में बैठी घर वापस जा रही थी। आंसू उनकी आंखों से मतवातर बह रहे थे। उनका दिल जैसे शिद्दत गम से फट सा रहा था। क्यों आखिर क्यों ज़िंदगी उनके सिकंदर ही की आजमाइश किए जाती है। सारी दुनिया में लीजा की बहन किसी को होना था तो उम्मे मरियम को, सारी दुनिया में लीजा का बाप किसी को होना था तो महमूद खालिद को। 12 साल पहले की वो शाम क्या उनके अंदर उनके सिकंदर की ज़िंदगी से निकल नहीं सकती। सबको माफ़ी मिल जाती है, उनके बेटे को क्यों नहीं? क्यों ज़िंदगी बार बार उसी को आजमाई जा रही है? क्या ये सब जानने के बाद अब लीज़ा सिकंदर से शादी करने के लिए तैयार होगी? क्या महमूद खालिद सिकंदर के हाथ में लीज़ा का हाथ देंगे? उससे तो कहीं अच्छा था वो सिकंदर को लीज़ा के साथ दोहा या इटली में शादी करने देती, यहाँ पर बुलाती ही नहीं। एक बार शादी हो गई होती तो शायद लीजा और महमूद खालिद अपने रवैयों में लचक ले आते, मगर अब क्या होगा? या अल्लाह, मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं आती? सबको खुशियाँ मिल जाती हैं, मेरे सिकंदर को क्यों नहीं आती? वो भी आवाज़ आंसू बहाते हुए अल्लाह से शिकवा करते कर रही थी और घर की तरफ जा रही थी। वो लाउंज में बैठे थे, उनके इर्द गिर्द शादी कार्ड्स की कई तरह के नमूने रखे हुए थे। उनमें से कोई एक कार्ड उन्होंने सिकंदर की शादी के कार्ड के लिए मुंतखब करना था। आमना 12:30 बजे घर से निकली थी। उनका अंदाज़ा था साथ बैठकर बातचीत करने, लंच करने और फिर शादी की तारीख वगैरह तय करने में कुछ वक्त तो लगता था। आमना की वापसी 3:30 बजे से पहले मुमकिन नहीं थी। ये वक्त गुजारना उन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा था। कब आमना वापस आएगी और आकर उन्हें यह खुशखबरी सुनाएगी कि वो लीज़ा को मंगनी की अंगूठी पहना आई है, वो सिकंदर की शादी की तारीख ठहरा आई है। जोश में उनकी भूख और प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उनका लंच का कोई इरादा नहीं था। वो सिकंदर की शादी का कार्ड मुंतखब करने और उस कार्ड का मज़मून तैयार करने में आमना की वापसी से पहले कई सारा वक्त गुजारना चाहते थे। जैन आने के बाद से अपने कमरे में नवीरा और अली के साथ था। शायद उसने नवीरा से ये कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नवीरा को जैन के लिए कमरे में चाय ले जाते देखा था। अपनी मौजूदा हालत और कैफियत के बारे में वो नवीरा से और कह भी क्या सकता था। फ़िलहाल उनकी ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो जैन से क्या कहें। जिस एहसास नदामत में वो मुब्तला हुआ है उससे कैसे निकालें? उन्होंने जैन की तरफ से कसदन अपना ध्यान हटाकर शायद फिर से शादी के कार्ड्स की तरफ देखा। मेज़ पर सामने ही राइटिंग पैड और कलम भी उन्होंने रखा हुआ था। आमना की शादी की तारीख ठहरा कर आ जाएंगी तो आज ही उन्होंने ये कार्ड छपने के लिए भिजवाने थे। वक्त मुख्तसर था, सिकंदर और लीज़ा को यहाँ ज़्यादा दिन क़याम नहीं करना, शादी जल्द ही करनी होगी। उन्होंने फौरन ही राइटिंग पैड और कलम हाथ में लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बेटा सिकंदर शहरयार जनाब महमूद खालिद की साहबजादी लीज़ा महमूद के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रहा है। हमारे बेटे और बहू को उनकी नई ज़िंदगी इस हसीन आगाज़ पर अपनी दुआओं से नवाजें। और हमारे साथ उनकी दावत वलीमा जैन वहाँ आ रहा था। उन्होंने कलम रोक कर निगाहें उठाकर उसे देखा।
उन्होंने आंखों पर से पड़ने वाली ऐनक उतार दी। जैन शिकस्ता कदमों से चल रहा था, वो बिल्कुल निराल से अंदाज में उनके पास सोफे पर बैठ गया। उन्होंने जैन से शादी के कार्ड्स और दावतनामे का मजमून छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें अंदाज़ा था इस वक्त जैन की निगाहें उन कार्ड्स और राइटिंग पैड पर थीं। रविया कहाँ है? उन्होंने जैन को बगौर देखा। अली को सुला रही है। तुमने खाना नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने देखा जैन उनकी तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था, यूं जैसे कुछ कहना चाहता हो। उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि क्या बात है, क्योंकि वो बात थी जो वो ऑलरेडी जानते थे। किसी और से नफरत करते हुए ज़िंदगी बड़ी सहूलत से गुजर जाती है पापा, मगर खुद अपने आप से नफरत करते हुए ज़िंदा रह किस तरह रह जाता है? वो बहुत बेबसी से उनसे पूछ रहा था। अभी वो जवाबन कुछ भी ना कह पाए थे कि आमना लॉन्च में दाखिल हुई। अगर आमना रोती हुई वापस ना आती, वो तब भी उनकी इतनी जल्दी वापसी पर हैरान होते, मगर अब जिस तरह वो आंसू बहाती लॉन्च में दाखिल हुई थी, उसने तो उनके औसान खता कर दिए थे। आमना क्या हुआ? वो एकदम ही परेशान होकर सोफे पर से उठे थे। यूँ लग रहा था आमना भी किसी भी लम्हा लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगी। उन्होंने जल्दी से उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया। जैन भी हैरान और परेशान माँ को देख रहा था। वो भी उठकर उनके पास आ गया था। आमना की सांसें उखड़ी हुई सी थी, वो मिसलसल रो रही थी। क्या हुआ आमना, तुम ठीक तो हो? सिकंदर ठीक है ना? एक ही पल में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल उनके दिल में आ गए थे। अंदर ही अंदर उनका दिल बुरी तरह लरज रहा था। क्या आमना या फिर सिकंदर किसी हादसे का शिकार हो गए थे? आखिर वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई थी, और वो भी इस हालत में, इस तरह ज़ारो कतार रोती हुई? जहन उनके लिए भाग कर पानी ले आया। पानी पी ले अम्मू जान, आमना ने उसके हाथ से पानी के दो घोट लिए थे। क्या बात हो गई अम्मो जान? उसने रसानियत से उनसे पूछा। सोफे पर आमना एक तरफ जैन बैठा था और दूसरी तरफ वो। आमना ने जैन के सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो शहरयार खान की तरफ मतवज्जह हुई। खुशियों पर मेरे बेटे का हक क्यों नहीं है शहरयार? ज़िंदगी का दामन सिर्फ मेरे सिकंदर ही के लिए क्यों तंग पड़ जाता है? सिकंदर? क्या फिर कुछ बुरा, कुछ गलत हो गया था उनके बेटे की ज़िंदगी में? उनका दिल अंदर ही अंदर डूबा था खौफ और अंदेशों के सबब वो आमना से कोई सवाल तक न कर सके। आमना रोते हुए खुद ही बोली थी, आपको पता है लीज़ा की बहन कौन है? कौन? उन्होंने परेशानी से आमना को देखा। उम्मे मरियम। उम्मे मरियम लीज़ा की सगी बहन है। सिर्फ वो ही नहीं, जैन भी बहुत बुरी तरह चौंका था। उम्मे मरियम लीज़ा की बड़ी बहन है? वो उसकी सगी बहन है? 12 साल पहले जो हुआ था, आज मरियम ने सबके सामने उस वाक़े को दोहरा डाला। सब पुराने ज़ख्म उसने उधेड़ डाले, माजी की इस राख को फिर आग लगा दी, एक नई क़यामत बरपा कर दी। जैन दम नजूद माँ की शक्ल देख रहा था और शहरयार खान जैसे आंधियों की जद में आए हुए थे। खामोश मेहरबलब वो आमना की गिरियाबजारी सुन रहे थे। लाउंज में मौत का सन्नाटा सा छा गया था, सिवाय आमना की सिसकियों के वहाँ दूसरी कोई आवाज़ न थी। बड़े से बड़े मुजरिम को, कत्ल तक के मुजरिम को, जब सज़ा वो काट लेता है तो माफ़ी मिल जाती है। मेरे बेटे की सज़ा कब ख़त्म होगी? उम्र कैद तो वो काट आया है, फिर अब ये लोग उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते? अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर हम इंसान सज़ा काट चुके शख्स को भी बार बार क्यों उसकी गलती याद दिलाते हैं? क्या मेरे सिकंदर ने 12 साल का वनवास काट नहीं लिया? अब भी उसे क्यों माफ़ी नहीं मिल रही? किस बात की माफ़ी अम्मोजान? जैन सख्त गुस्से में बोला। ज़ारो कतार रोती हुई आमना ने जैन को ताज्जुब से देखा, जैसे उसकी बात समझ ना सकी हो। वो चुपचाप जैन को देख रही थी। लीज़ा उम्मे मरियम की बहन और महमूद खालिद की छोटी बेटी है, ये सच्चाई जानते ही वो जैसे बिल्कुल ही हिम्मत हारने लगी थी। किस जुर्म की माफ़ी मिलनी जानी चाहिए सिकंदर को? वो जो उसने कभी किया ही नहीं था, जो उम्र कैद जो वनवास उसने काटा है वो मेरी वजह से है। मैं मुजरिम हूँ अपने भाई का, अम्मोजान मैं गुनहगार हूँ अपने भाई का भी और अब आपका भी। पापा से पूछे, ये कई सालों से ये सच्चाई जानते हैं कि सिकंदर को जिस जुर्म की पादाश में घर बदरी नसीब हुई थी, वो उससे कभी सरजद ही नहीं हुआ था। उस बदकिरदार लड़की को मैं लेकर आया था हम लोगों की ज़िंदगियों में। सज़ा अगर किसी को मिलने चाहिए थी तो वो मुझे मिलनी चाहिए थी। संसार किया जाना चाहिए था तो मुझे। अपने भाई की ज़िंदगी उजाड़ दी मैंने, उसके जिस्म को नहीं उसकी रूह को मार डाला। उस बदकिरदार लड़की का दिखाया झूठ मुझे सच नज़र आया था। अपने भाई की चीख चीख कर सच बता दी आवाज़, मेरी समाप्त तो नहीं पहुँची थी।
जहन की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी आवाज़ बोलते बोलते फिर भर गई थी। उसके लहजे में खुद अपने लिए नफरतें थीं। आमना रोना भुलाकर जैसे शौक किसी हालत में जहन की बातें सुन रही थी। जहन की तरह शहरिया ख़ान के अंदर भी एक मरतबा फिर मायूसियाँ और एहसास नदामत फैल रहा था। जैसे बेटे के मुजरिम थे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लाने की कोशिश की थी, मगर उसके तो ऊपर पुराने ज़ख्म उधेड़ कर फिर नए दुख भी दे दिए गए थे। आमना ने हैरत से उन्हें देखा। जैन सच कह रहा है आमना, मैं उम्मे मरियम की सच्चाई गुज़िश्ता कई बरसों से जानता हूँ। तुम्हारे सामने भी ये एतराफ़ करने की हिम्मत नहीं होती थी कि जिस जुर्म की सज़ा में मैंने सिकंदर को घर से निकाला था, वो उसकी बदकिरदार लड़की का सिकंदर पर लगाया एक बोहतान था। वो गुलूगीर लहजे में बोले, काश आपने अम्मो जान को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज अम्मो जान लीजा के घर से यूँ रोती हुई और खामोश वापस ना आती। वो उस नीच लड़की को उसकी औकात याद दिलाकर उसके मुंह पर थूक कर वापस आती। जहां जुमले में अम्मे मरियम का जिक्र आया, वहां जैन बहुत जज्बाती हो गया था। वो सख्त तरीन अश्ताल और गुस्से में आ गया था, जैसे अगर अम्मे मरियम उस वक्त उसके सामने होती तो उसे जान से मार डालता। आमना को अगर सब कुछ पता होता ये वहाँ पर खामोश न रही होती, तब भी उससे सिकंदर की ज़िंदगी में खुशियां तो वापस नहीं आ जानी थी। जैन, क्या महमूद साहब और लीजा सिकंदर का एतबार करते? उन दोनों के लिए ज़्यादा ना काबिल एतबार तो उनकी बेटी और बहन ही होती ना। मेरे बेटे का मुकद्दर ही ख़राब है, तकदीर को फिर उसकी आजमाइश मकसूद है। वरना इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी और लड़की लीजा की बहन हो सकती थी, मगर हुई तो उम्मे मरियम। वो तलखी से बोलते हुए तकदीर से शाकी थे। अब जबकि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तब सब कुछ पहले ही जैसा गलत हो गया था। आप इतनी आसानी से हार मान रहे हैं पापा? जैन ने अफसोस भरी निगाहों से उन्हें देखा। वो जवाबन शिकस्त खुर्दा से अंदाज में चुप रहे। मगर मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माजी को बदलने से मैं कासिर हूँ, मगर अपने भाई के हाल में और उसके मुस्तकबिल पर अब कोई आँच नहीं आने दूँगा। अपने भाई की और हमारे घर की खुशियाँ को तबाह करने वाली उस नागिन का मैं सर कचल दूंगा। आप महमूद अंकल को फ़ोन कीजिए पापा, उन्हें बताइए कि सिकंदर पर लगाया मरियम का हर इल्ज़ाम झूठा है। 12 साल पहले भी उसने सिकंदर पर बहतान लगाया था, वो आज भी उस पर बहतान लगा रही है। जैन के मजबूत और टोक से अंदाज ने उनके अंदर दम तोड़ दी उम्मीद और उसको नए सिरे से जगा दिया था। उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए सच्चाई महमूद खालिद और लीजा तक पहुंचाने की। वो बेख्तियार सोफे पर से उठे थे। जैन ठीक तो कह रहा है, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। सिकंदर को उसके हिस्से की खुशियां दिलवाने के लिए इस बार उन्हें दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो उन्हें लड़ जाना चाहिए। इस बार कोई उनके बेटे की खुशियों के रास्ते में न आए तो उन्हें उसे जान से मार डालना चाहिए। उनके जीते जी अब किसी में यह जुरात नहीं होनी चाहिए कि सिकंदर से उसकी खुशियां छीन सके। वो मजबूत कदमों से चलते टेलीफोन तक आ गए। आमना, लीजा के घर का फ़ोन नंबर बताओ, उन्होंने रिसीवर उठाते हुए आमना से कहा। आमना अब रो नहीं रही थी। जैसे इतने सारे हवास गुम कर देने वाले इनकशाफात ने उन्हें रोना ही भुला दिया था। मेरे पास लीजा के घर का तो नहीं, मगर उसके मोबाइल नंबर है, वह आहिस्तगी से बोली। ठीक है, दे दो। आमना ने पर्स से अपना मोबाइल निकाला। वो लीजा का फ़ोन नंबर बोल रही थी और वो उसे कॉल मिला रहे थे। कॉल मिल गई थी। वो दूसरी जानब लीजा की आवाज़ सुनने की तवक्का कर रहे थे, मगर उनकी कॉल लीजा ने नहीं महमूद खालिद ने रिसीव की थी। 12 साल बाद उनकी आवाज़ सुनी थी, कैसे पहचान सकते थे। हेलो, मैं शहरयार ख़ान बोल रहा हूँ, उन्होंने संजीदगी से अपना तारुफ़ करवाया था। मैं महमूद बात कर रहा हूँ। शहरयार साहब, आप क्या लीजा से बात करना चाहते हैं? वो यहाँ थी नहीं, इसलिए कॉल मैंने रिसीव कर ली। उन्होंने महसूस किया कि महमूद खालिद बहुत मोहतात होकर बोले थे, जैसे बोलने से कबल अपने एक एक लफ्ज़ को गौर किया हो। नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी थी। आपके घर का नंबर नहीं था इसलिए लीजा के मोबाइल पर कॉल की। उनका लहजा संजीदा और बहुत मजबूत था। आज जो कुछ हुआ शहरयार साहब, मुझे इस पर बहुत अफसोस है। महमूद खालिद आगे न जाने क्या कहना चाहते थे, मगर उनकी बात मुकम्मल की सुने बगैर फ़ौरन बोले, मैं आपकी बेटी उम्मे मरियम के सिकंदर पर लगाए हर इल्ज़ाम की तर्दीद करता हूँ। मैं उम्मे मरियम के मुतालिक ज़्यादा कुछ कहकर बात बढ़ाना नहीं चाहता। वो जो करती है और जो कुछ कर चुकी है वो उसका ज़ाती फेल है।
आपसे मेरी फ़कत इतनी दरख्वास्त है कि आप लीज़ा और सिकंदर के रिश्ते को इसी तरह बरकरार रखें, किसी की भी बातों में आकर इस रिश्ते को ख़त्म ना कीजिएगा। ये सिकंदर और लीज़ा की खुशियों का सवाल है, खुदा के लिए उन दोनों को उनकी खुशियों से महरूम ना कीजिएगा। दरख्वास्त करते हुए वाकई उनका लहजा अल्तजाइया ही हो गया था। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए शहरयार साहब, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। महमूद खालिद का बेहद संजीदगी से दिया गया ये जवाब उनकी समातों से टकराया और फिर मजीद कोई बात किए बगैर फौरन ही महमूद खालिद ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। महमूद खालिद के लहजे से कुछ भी ना अख़ज़ कर पाए। क्या उनके लहजा ये इशारा दे रहा था कि वो अब भी सिकंदर और लीज़ा के रिश्ते के हक़ में हैं? उनका बेपनाह संजीदा अंदाज़ उन्हें किसी भी तरह की राय कायम करने से रोक रहा था। सिकंदर के जाते ही आमना भी उनके घर से चली गई थी और उसके फौरन बाद ही हाशिम भी चला गया था। उन तीनों के चले जाने के बाद वो लाउंज में दोनों हाथों में सर थाम कर बिल्कुल अकेले बैठे थे। आयशा उनके पास आई थी, उनके पास बैठकर उन्होंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कुछ कहा भी था शायद, मगर वो इतनी उलझे बिखरी हालत में थे कि उन्हें आयशा की वहाँ मौजूदगी से वहशत सी हुई थी। मुआज़रत ख्वाहाना अंदाज में उन्होंने आयशा से फ़कत इतना कहा था कि वो कुछ देर बिल्कुल तना रहना चाहते हैं। आयशा उनकी कैफियत समझते हुए बग़ैर बुरा माने वहाँ से चली गई थी। उसी तरह सर दोनों हाथ में थामे उन्होंने न जाने कितनी देर गुजार दिए। जब वहाँ सोफे पर पड़ा लीज़ा का मोबाइल बजा था, बेध्यानी में उन्होंने कॉल रिसीव कर ली थी और शायद ये अच्छा ही हुआ था कि ये कॉल उन्होंने रिसीव कर ली थी, वरना न जाने वो कितनी देर तक इसी तरह गुमसुम बैठे रहते। ये वक्त उस बात पर बैठ कर अफसोस करने का तो नहीं था कि सिकंदर जैन का बड़ा भाई क्यों है, ना इस बात पर अफसोस करने का कि आज जो कुछ हुआ वो मरियम ने क्यों किया था। ये वक्त कुलसूम की फ़िक्र करने का था, उसकी ज़िंदगी की खुशियों को बचाने का वक्त था। कुलसूम थी कहाँ? एक डेढ़ घंटा हो गया उन सब लोगों को उनके घर से गए, इसके बाद से उन्होंने कुलसूम को नहीं देखा। उन्हें एकदम ही उसकी बेतरा लाफिक फ़िक्र लाहक हुई थी। आज जो कुछ हुआ उसने उनकी बेटी की पर क्या असर डाला था? वो ठीक तो थी ना? वो फौरन ही लीज़ा का मोबाइल हाथ में लिए सोफ़े पर से उठे, वो लाउंज से बाहर जा रहे थे, न जाने वो थी कहाँ। सबसे पहले वो उसे तलाश करते उसके कमरे में आए और वहाँ पर उन्हें मिल भी गई थी, मगर वहाँ वो अकेली नहीं थी, मरियम भी वहाँ थी वहाँ और उसके साथ। मरियम को लीज़ा के पास बैठा देखकर उनका दिल बुरी तरह परेशान हुआ था। आज फिर जहर भर रही थी वो लीज़ा के जहन में। वो कमरे के अंदर आ गए, लीज़ा और मरियम ने उन्हें नहीं देखा, वो दोनों ही बेड पर बैठी थी। लीज़ा बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी जबकि मरियम ज़ारो कतार रो रही थी। वो रोते हुए लीज़ा से कह रही थी, मैं सिकंदर की मिन्नत करती रही कि मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ, पर उस पर तो शैतान सवार था लीज़ा, उसने मेरे कपड़े। मैं रोती रही, चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारती रही, उससे रहम की भीख मांगती रही, पर वो अपने नफ्स का पुजारी हवस में अंधा हो चुका था। उसने मेरी इज्जत, पहली बार पापा की वजह से घर से बेघर होने के बाद मम्मी के फ्रेंड शौहर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, और दूसरी बार सिकंदर शहरयार ने। मेरी खूबसूरती सारी ज़िंदगी मेरी आजमाइश बनी रही, आज भी एक ज़बरदस्ती का बंधन महज पापा के खातिर निभा रही हूँ कि पापा के बिजनेस फ्रेंड हाशिम असद का दिल मेरी खूबसूरती पर आ गया था। मेरी हाशिम के साथ शादी की वजह से पापा मुसलसल उससे बिजनेस में फ़ायदे हासिल करते रहते। मेरे साथ तो जो कुछ हुआ और हो रहा है मैं सह रही हूँ लीज़ा, पर मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। मैं पापा सिकंदर को तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। तुम कल ही की फ़्लाइट से वापस लंदन चली जाओ, छोड़ दो सिकंदर शहरयार को, छोड़ दो पापा को, ये सब तुम्हें अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम लंदन जाकर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद से किसी से भी शादी कर लो। पापा को अपनी शादी के बारे में बताने की तुम्हें कोई ना कोई ज़रूरत है और ना उनसे इजाज़त लेने की। तुम्हारा होने वाला शौहर मुसलमान हो या नहीं, बस इसका अच्छा इंसान होना तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तुम पापा की अब बिल्कुल भी परवाह मत करना, आखिर दिया क्या है उन्होंने हम दोनों को। वो मरियम की जहर उगलती ज़बान खामोशी से सुन रहे थे। मरियम जो पूरी तरह लीज़ा की तरफ मुतवज्जा थी, बोलते बोलते उसे यकदम ही जैसे किसी की वहाँ मौजूदगी का एहसास हुआ था। पहले मरियम और फिर लीज़ा ने उन्हें देखा। मरियम यकलख थी, घबरा कर चुप हुई थी, वो शायद उस वक्त यहाँ उनकी मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। चुप क्यों हो गई मरियम? उगलो जहर, जितना जहर तुम्हारे अंदर है आज सब उगल डालो। उन्होंने तैश के आलम में मरियम को देखा।
पापा वो मैं चाहती थी लीजा को सिकंदर की सारी सच्चाई बता दूँ ताकि उसे अपनी गलत चॉइस का एहसास हो सके। मरियम बौखला कर फौरन बोली, कैसा रहेगा अगर आज मैं भी उसे सारी सच्चाई बता दूँ? बेहतर रहेगा कि कुलसुम आज अपनी तमाम गलत चॉइसेस का और एक कर लेगी। वो तंज और गुस्से से बोले, पापा आप मरियम की बात उन्होंने मुकम्मल नहीं होने दी। वो आगे बढ़कर उसके बिल्कुल सामने आए और उन्होंने खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? लीजा घबरा कर फौरन बेड पर से उठी। तुम वहीं रुको कुलसुम, आज मेरे और इसके बीच में हरगिज़ मत आना। वो गुस्सा करने और चीखने चिल्लाने वाले आदमी न थे मगर आज वो चिल्ला रहे थे। उन्हें इस कदर गुस्से में देख कर लीजा अपनी जगह सहम कर रुक गई। आपने मुझ पर हाथ उठाया पापा? मरियम ने बेयकीनी और गुस्से से मुंह पर हाथ रखे रखे पूछा। वो भी बेड पर से उठ गई। लीजा मरियम के साथ खड़ी थी और उन दोनों के सामने खड़े थे। ये थप्पड़ मुझे तुम्हारे मुंह पर बहुत पहले मार देना चाहिए था मरियम। काश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें उस रोज़ मार दिया होता जब तुम्हारे सौतेले बाप के साथ मुझे तुम्हारे ताल्लुकात का इल्म हुआ था। वो ये तमाम अल्फाज बोलते हुए दुख और कर्ब और शर्म से ज़मीन में गड़ से रहे थे। बरसों पहले जब ये शर्मनाक बातें पता चली थी तब भी उसी तरह वो शर्म और गैरत से ज़मीन में गड़ से गए थे। ये झूठ है पापा, सब झूठ है। किसी ने ये सारी बकवास की है आपसे मेरे मुतालिक, आपका दिल मुझसे ख़राब करवाने के लिए, मरियम बौखला कर बोल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में खौफ था। तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन पर रोते हुए ये बातें बताई थी। उसने कहा था तुम उसका घर ख़राब करना चाहती हो। मैंने उसका यकीन नहीं किया था। तुम्हारे सौतेले बाप ने ये बात बताई, मैंने यकीन नहीं किया था। मगर जब उन दोनों को गलत साबित करने के लिए मैं उस गायनाकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, जिसका पता तुम्हारी माँ और तुम्हारे सौतेले बाप ने बताया था, उसने तमाम सबूतों के साथ इस बात की तस्दीक की, तब मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। मेरी बेटी इतनी बदकिरदार हो सकती है? आखिर कैसे? फिर उसके बाद एक के बाद एक तुम्हारे एक एक अफेयर्स का पता चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर शर्म और नदामत से गड़ता रहा कि मेरी बड़ी बेटी, जिसे मैंने हमेशा छोटी बेटी से ज़्यादा चाहा था, उसने मेरी सिर्फ शक्ल ली थी, किरदार अपनी माँ का ले लिया था। बोलते हुए इनकी आवाज़ भरा गई थी शर्म, गैरत और दुख से, जैसे उनका सीना फटा जा रहा था। उन्हें यकदम ही चक्कर सा आया। खुद को लड़खड़ा कर गिरने से बचाने के लिए उन्होंने पास रखी किसी कुर्सी का सहारा लिया। पापा, लीजा परेशान होकर दौड़कर उनके पास आई। आप ठीक तो हैं पापा? उन्हें अपने सीने पर दबाव सा महसूस हो रहा था। उनका हाथ सीने पर जाता देखकर वो बहुत बुरी तरह परेशान हुई थी। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ पापा। मैं ठीक हूँ बेटा। वो बाप से दूर खड़ी थी। लीजा उनके बराबर में बैठी थी, वो उनसे दूर है, लीजा उनके पास है। वो अपने हवास खोने लगी थी। पापा ने बरसों पहले उसे खुद से दूर करके लीजा को अपने नज़दीक कर लिया था। उसे मम्मी के साथ भेजकर वो अपने साथ रखने के लिए लीजा का इंतखाब किया था। बाप के साथ बैठी लीजा पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके अंदर नफ़रत का वही तूफान उठा जो चाहता था लीजा बाप की नज़रों से गिर जाए, लीजा की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। वो 14 साल की उम्र से उस लड़की से नफ़रत करती आई थी। उसने सारी ज़िंदगी इतनी नफ़रत उस किसी से भी न की थी जितनी लीजा महमूद से की थी। अपनी ज़िंदगी के 14 बरसों तक उसे ये बताया गया था कि बाप उसे सबसे ज़्यादा चाहता है, वो उसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है। मगर माँ और बाप में तलाक के वक्त उसे अचानक ही पता चला जो कुछ वो 14 वर्षों तक समझती रही वो गलत था। लीजा को अपने साथ रखने का इंतखाब उसके पापा ने किया था। पापा ने उसे कहीं लीजा को चुना अपने साथ ले जाने के लिए। वो तो पापा की मोहब्बत की बिला शिरकत गैरत मालिक थी ना, पर पापा ने मोहब्बत का फ़ख्र मान और लाडले होने का ताज उसके सर पर से उतार कर लीजा के सर पर पहना दिया था। उस रोज़ उसे लीजा से शदीद नफ़रत हो गई थी। उस रोज़ उसे अपनी माँ से शदीद नफ़रत हो गई थी। लीजा महमूद को पानी पिला रही थी। यकदम ही उस पर जुनून सा सवार हुआ। वो लीजा के सामने आई। उसने हाथ मारकर लीजा के हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया। बस कर दो तुम ये ड्रामा लीजा, तुम पापा से कितनी मोहब्बत करती हो ये पापा भी जानते हैं और मैं भी। पानी से भरा गिलास छना किसे टूटा था। वो यकदम ही बाप के पैरों पर हाथ रखकर उनके सामने फर्श पर बैठी गई।
बैठ गई। पापा, ये आपसे नफ़रत करती है, इसकी मक्कारी का यकीन मत करें। आपसे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मैं करती हूँ। बाप के पैरों पर मजबूती से हाथ जमाए वो रो पड़ी। पापा को ये यकीन तो नहीं खोना चाहिए कि वो उनकी मम्मी मरियम है, वो उनसे बहुत प्यार करती है। सैम, उसने लीज़ा की रोती हुई आवाज़ सुनी। उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। महमूद खालिद ने अपने पैर पीछे हटा लिए, उन्होंने अपने पैरों से उसके हाथ झटक दिए। पापा आप, उसने रोते हुए उनकी तरफ देखा। उससे बाप की आंखों में नाराज़गी नज़र आई। उनका एक हाथ अभी तक उनके सीने पर था। मुझे पता है उसने कोई जहर भरा है आपके दिल में मेरे ख़िलाफ़, उसी ने आपको मुझसे छीना है, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। उसने लीज़ा को नफ़रत से देखा। सैम, खुदा के लिए पापा की हालत का ख्याल करो, देखो पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। उसने देखा लीज़ा ने पापा के कंधे के गिर्द हाथ रखकर उनको संभाला हुआ था। वो रोते हुए उससे मुखातिब हुई। उसकी हटो पापा के पास से, मासूमियत और सादगी से ड्रामे करके तुमने पापा को मुझसे छीन लिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो एकदम ही जुनूनी अंदाज में उठी। उसने हाथ पकड़ के पूरी क़ुव्वत से खींच कर लीज़ा को पापा के पास से हटाया। वो लीज़ा को नफ़रत से देख रही थी। पापा की आंखों में अपने लिए नाराज़गी और बेएतबारी देखकर वो वाकई अपनी आवाज़ खोने लगी थी। उस पर जैसे कोई दौरा सा पड़ा था। जुनूनी अंदाज में चिल्ला रही थी लीज़ा, उसके साथ खींचती सोफे से उठ गई। वो मुसलसल रो रही थी। मरियम, खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो। तकलीफ़ और दर्द में मुब्तला उसके पापा, आवाज़ उनकी समातों से टकराई। वो उन तक जाना चाहती थी मगर उससे पहले लीज़ा दौड़ कर फिर उनके पास चली गई। पापा अस्पताल चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ पापा प्लीज़ चलें। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, शायद बीपी हाई हो रहा है, अभी दवा ले लूँगा। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना हुआ हो। लीज़ा उन्हें फ़िक्र से देख रही थी। लीज़ा उनके पास बैठी थी और उनके मुकाबल उनसे बहुत दूर, मीलों और कोसों दूर। मैं ठीक हूँ कुलसुम, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, बस मेरी एक नसीहत सुन लो, बहुत गौर से और उस पर अमल भी करो। वो जैसे अपने बाप को नज़र ही नहीं आ रही थी। उन्हें अगर कोई नज़र आ रहा था तो वो लीज़ा थी। जी पापा, लीज़ा सआदत मंदी से बोली। उसकी सआदत मंदी उसकी आंखों में फिर गैज़ व गज़ब ले आई थी, उसे फिर नफ़रत के इंतहाओं पर ले गई थी। बेटा, ख़ुद को मरियम से दूर कर लो, ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये सारी ज़िंदगी मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारे अंदर जहर भरती रही है। मैं सब समझता हूँ, सब जानता था पर चुप रहता था। मैं अपनी एक बेटी के ख़िलाफ़ दूसरी बेटी से क्या कहता। सिकंदर के वालदीन और जैन सब सिकंदर को कसूरवार समझते हैं। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।